Hey guys, Adnan Farooq here, adnanfarooq.com, and I am really stoked and excited because आज का जो मेरा टॉपिक है, that is, not to make an overstatement, not to exaggerate, but it is going to solve a lot of your problems. I'm going to talk about that, but before I do that, I want to introduce you to the field of functional medicine, which is really a, it's, it would be an understatement to say कि इट्स ए गेम चेंजर के जो हेल्थ और डिजीज की जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उसके अंदर फंक्शनल मेडिसिन इज रियली टॉकिंग अबाउट द स्टफ दैट इज मेकिंग अ डिफरेंस. व्हाट इज फंक्शनल मेडिसिन इन वेरी सिंपल वर्ड्स विदाउट टेकिंग मोर टाइम इज ट्रीटिंग फूड एज मेडिसिन, बिलीविंग इन द पावर ऑफ नेचुरल हीलिंग थ्रू फूड्स, थ्रू सर्टन वाइटमिन्स, थ्रू सर्टन हर्ब्स एंड लाइफ स्टाइल अप्रोच, एंड आई एम बिग ऑन दैट. सो माई गोल इज कि मैं आप लोगों को, क्योंकि हमारी जो यू नो द सैड पार्ट इज ऑल ऑफ अस, आई वेंट टू द यू नो आप भी जाते होंगे, मैं भी जाता होऊंगा फार्मेसी पे कभी जाएँ, यू नो आई डोंट हैव एनी थिंग अगेंस्ट कन्वेंशनल मेडिसिन, बट द वन सैड थिंग इज, बल्कि मेरे अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रही थी कि कन्वेंशनल मेडिसिन का डायलेमा ये है कि डॉक्टर्स कहते हैं सब ठीक है लेकिन अंदर सब खराब लगता है. तो वी नीड टू चेंज दिस. मेडिसिन इज नॉट द सोल्यूशन, नॉट द ओनली सोल्यूशन. द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज हैज़ टू बी नेचुरल. सो गाइज, आई वॉन्ट इंट्रोड्यूस यू टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन, हॉर्मोनल बैलेंस एंड वेट लॉस. ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं. और ये टाइटल के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूं, इफ यू स्टिक विद मी टिल द एंड, आई एम गोइंग टू गिव यू फोर स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन यूज आपके घर में, पैंट्री के अंदर ही जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, आप उनको यूज करते हुए यू कैन इम्प्रूव योर डाइजेशन, यू कैन इम्प्रूव योर हार्मोनल बैलेंस, एंड सर्टनली दैट्स गोइंग टू गिव यू हेल्थफुल वेट लॉस. ठीक है, तो हमने करना क्या है कि हमने चार चीज़ों को समझना है. एंड आई वुड एज ऑलवेज प्लीज स्टार्ट राइटिंग दीज थिंग्स डाउन बिकॉज यू विल फॉरगेट. आई एम गोइंग टू बम्बार्ड यू विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो आई वॉन्ट यू टू गेट रेडी एंड हेयर वी गो. पहली चीज़ तो ये है कि डाइजेशन या पुअर डाइजेशन के सिम्टम्स क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिड रिफ्लक्स, थायरॉयड प्रॉब्लम्स, एस्ट्रोजन डोमिनेंस विच आई हैव बिन टॉकिंग अबाउट लेटली, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. आप देखें कि यू नो दीज आर जस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव हाईलाइटेड व्हेन वी टॉक अबाउट पुअर डाइजेशन. बिकॉज इन सिंपल वर्ड्स डाइजेशन का रोल क्या है, टू एक्सक्रीट द वेस्ट एंड टॉक्सिंस आउट ऑफ द बॉडी. और अगर डाइजेशन के लेवल पे इफ थिंग्स आर नॉट गुड then we end up circulating all the toxins back into our system, and that certainly the toxins that were supposed to be excreted, जो body से निकलने थे वो वापस circulate होने शुरू हो जाते हैं. That is not where we want to be if we want vibrant health. और you know मुझे मेरी उस दिन किसी से बात हो रही थी, you know, and we were talking about feeling great at any age. You know, I'm 45, I don't know if you know about this, but really, if you take care of your health and if you do things the right way, you start feeling it before you start seeing it. You know, something inside of you starts to make sense that, you know what, I feel good, I feel energetic, I feel my bloating has gone down, I feel my acid reflux has gone down. और बड़ी देर से हम ये हल ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें ये हल नहीं मिल रहे. तो डाइजेशन का रोल जल्दी से सुन लें ताकि मैं आपको यू नो आई कैन क्विकली जंप यू ओवर टू द सोल्यूशंस फॉर योर प्रॉब्लम्स. डाइजेशन का रोल ऑब्वियसली खाने को डाइजेस्ट करना है. नंबर टू, एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. यू नो दिस इज समथिंग वेरी न्यू टू मी एज आई यू नो डेल्व इनटू फंक्शनल मेडिसिन. आई एम अंडरस्टैंडिंग के आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ दिस कोट, जैसे अंग्रेजी में कहते थे यू आर वॉट यू ईट. यू नो दिस इज द ओल्ड स्कूल डेफिनेशन दैट जो इंसान खाता है ना उसी तरह इंसान दिखता है, उसी तरह वो फील करता है. सो द ओल्ड कोट वॉज यू आर वॉट यू ईट, नाउ दे आर सेइंग यू आर वॉट यू अब्जॉर्ब.
which simply means that you could be eating the best food, but if at your level of digestion, जहाँ पे nutrients ने absorb होना है, अगर वहाँ पे problem है और poor digestion है और inflammation है, gut के issues हैं, तो आप जितना healthy से healthy भी खाना खा लेंगे, it's not going to make a difference. So I want you to understand the gravity of this situation. That is, it's really is a game changer, and I'm not exaggerating. So, digestion of food, absorption of nutrients, processing of hormones, elimination of toxins. I've already talked about that. Immunity booster. I mean, COVID ka silsila abhi tak chal raha hai, unfortunately, and we're all talking about immunity. I mean, do you know that the immune system rests in our digestive area? So, agar digestion ke area pe agar inflammation hai aur wahan pe problem hai, to immunity bhi down hoegi. So, it makes all the more sense to promote health around the digestive system, taake hamari health bhi better ho, hamara fitness bhi better ho, hamare weight loss ke mamlaat bhi ho. And last but not the least, digestion का role mental health के साथ भी linked है, because जो mental health है उसकी जो main hormone है mental health का, serotonin, उसकी 80% production gut area में हो रही होती है, digestion के area में हो रही होती है. तो अगर digestion के area के अंदर problem आ रही है, so that means we will have episodes of depression and anxiety and so forth. So I mean, you can just imagine ke how wide-ranging this issue is, and unfortunately, हमें अभी तक किसी ने ये बताया नहीं है कि इसकी importance क्या है, इसको ये अगर ठीक ना हो digestion, poor digestion हो, तो उसकी implications क्या हैं और इसको करने की क्या ज़रूरत है. So this was the background, just to give you an insight that how important improving digestion is. So अब हम बात करते हैं the cure. What is the cure? So I've distributed the cure into four segments. Number one, nutrition, and specifically elimination diet, which simply means ki hum khane mein se kuch cheeze nikalenge ki jo inflammation produce karte hain. So that is going to be step one. Step two is stomach acid, hydrochloric acid, jo stomach ke andar hota hai, wo jab stomach acid low hota hai, to wo digestion ke upar bura asar dalta hai. उसको कैसे ठीक करना है नेचुरली, विल टॉक अबाउट दैट. नंबर थ्री, विल टॉक अबाउट बाउल मूवमेंट, के यू नो टॉयलेट जाना है और ये बाउल मूवमेंट डाइजेशन को कितना, उसके लिए कितनी ज़रूरी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. एंड लास्टली, रीबिल्डिंग योर डाइजेशन एंड माइक्रोबायोम, जहाँ पे हम ये माइक्रोबायोटा की बात करते हैं, गुड बैक्टीरिया की बात करते हैं, उसको इम्प्रूव कैसे करना होगा. सो फोर पार्ट्स to this journey. So let's get started, guys. Number one, elimination diet. And you know, as you know, I talk a lot about nutrition, using food as medicine, aur hamara pehla step bhi wahin se ho raha hai. What are we talking about? Khane ke andar se kuch cheezon ko remove karna hai. And if you've been with me long enough, you know I am against gluten consumption, unfortunately or fortunately. The point is कि हम लोगों की जो स्टेपल डाइट है उसके अंदर गंदम है, उसके अंदर रोटी है. दैट्स द बैड न्यूज़. द गुड न्यूज़ इज़ ग्लूटेन फ्री आटा भी आ चुका हुआ है, या और ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स आ चुकी हुई मार्केट के अंदर, जो कि इस वक्त इजीली अवेलेबल हैं. और अगर ना भी अवेलेबल हों, तो थोड़ी देर के लिए आपको ग्लूटेन से अपना थोड़ी देर के लिए उसको अपनी सेपरेशन करनी पड़ेगी, ताकि आप ये देख सकें कि ग्लूटेन से आपके ये जो प्रॉब्लम्स डाइजेशन के आ रहे हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किए, तो वो कैसे ठीक होंगे. सो व्हाट डू यू नीड टू टेक आउट ऑफ योर डाइट? नंबर वन, ग्लूटेन. नंबर टू, डेरी, मिल्क, चीज़, चिकन, पोल्ट्री भी इसके अंदर आएगा. नंबर थ्री, पीनट्स, ये निकालने होंगे थोड़ी देर के लिए. कॉर्न, छली, और ये हम यूजली मैंने देखा है कि लोग भुने हुए चने बनवाते हुए खाते हुए जा रहे होते हैं स्नैक्स. सो This will need to come out of your diet for 2 to 3 weeks, ताकि हम देख सकें कि problem कहाँ पर आ रही है. Number four, nightshades. Nightshades को हम group करते हैं tomato, टमाटर, potato, eggplant, जिसको हम बैंगन कहते हैं. तो ये nightshades भी हमें निकालने होंगे. So the first step towards improving digestion, towards hormonal balance, towards
health and weight loss is that you eliminate these foods from your diet. That's the first step. अब इसके अंदर आपका सवाल ये बनता है कि अदनान इतनी सारी चीज़ें आपने निकाल दी हैं तो what do we eat? You know, I normally get this question. So trust me, there are so many options that are available to you. I'm just going to quickly browse over this list because you need to know कि gluten निकालने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती. What am I talking about? I just mentioned gluten-free atta and gluten-free foods that are easily available. Meat आप ले सकते हैं. You know, you can have meats as well. Flaxseed, sesame seed, pumpkin seeds, broccoli, beans, ये जो lobia है, lentils, दालें हैं, rice, fruits in moderation, flaxseed, कितनी चीज़ें हैं कि जो हम खा सकते हैं कि जो हमारी daily diet के अंदर, जो हमारे daily के जो ग़िज़ा है, जो local diet है, उसके अंदर we have all the options. And not to mention, and not to forget rather, कि जो हमारी रोज़ हमारी जो घर में सब्ज़ी बन रही होती है, that is absolutely, you can enjoy all those vegetables in any case. So where are you restricted? So my question to you is, अगर आपको इतना benefit मिल रहा है और आप अपनी health को improve कर रहे हैं और दवाइयों से जान छुड़ा रहे हैं, उससे आपको energy feel हो रही है, you're feeling great, you're losing weight, your bloating is going down, your acid reflux is gone down, तो अगर थोड़े से खानों से आप अपनी डाइट को चेंज कर लेंगे तो isn't that better rather than overloading your body with so many medications? That is the question you need to ask yourself, because anytime somebody says to me कि ये मुझे dietary changes करने पड़ेंगे, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप दवाइयाँ खा सकते हैं, आप antibiotics खा सकते हैं, आप pain killers खा सकते हैं, उसमें आपको कोई problem नहीं होती, हालांकि आपको पता है कि उनके side effects कितने ज़्यादा हैं, बट आप अपनी नेचुरल डाइट के अंदर चेंजेस नहीं करेंगे. सो दिस इज़ अ मोमेंट दैट यू नीड टू रियली थिंक अबाउट व्हाट योर अप्रोच इज टुवर्ड्स लाइफ एंड हेल्थ. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हम स्टमक एसिड की बात कर रहे हैं. लो स्टमक एसिड इज द कॉज फॉर पुअर डाइजेशन. और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लोटिंग, बेल्चिंग, खाने के बाद गैस आफ्टर फूड, इसका खाना हजम नहीं हो रहा. तो ये लो स्टमक एसिड के सिम्टम्स हैं. और इसकी जो द सोल्यूशन इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. पहली सोल्यूशन क्या है? 2 tablespoons ऑफ एप्पल साइडर विनेगर प्लस लेमन और लाइम जूस. और ये आपने सुबह खाने से पहले निहार मुंह आपने ये ले लेना है. आई नो द मोमेंट आई से दिस द फर्स्ट थिंग यू गोना से कि नींबू से मेरा गला ख़राब हो जाता है या नींबू से तो एसिड रिफ्लक्स बढ़ता है. डू योर रिसर्च. लेमन is an alkaline food. It promotes alkalinity. It is going to help your stomach acid. So jab aap isko apple cider vinegar ke sath add karenge, to it's going to be one of the big cures for to improve stomach acid. Now you may think ke 2 tablespoons apple cider vinegar uske sath nimbu to itna khatta ho jayega, main nahi le sakunga. Then you need to grow gradually into this. Maybe you want to start with 1 teaspoon and then 2 teaspoons and then 3 teaspoons. Gradually build your way up. I can tell you that my morning routine, the first thing I do, I don't have any stomach issues, but I know the power of apple cider vinegar and I know ke jo nimbu pani karta hai. The first thing I do is I have a big glass jiske andar maine adrak piece ke dilwai hoti hai, nimbu uske andar hota hai aur apple cider vinegar hota hai, and I you know, it's something that I do on a daily basis. I would highly recommend you guys do it as well. Okay, now अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आती है एंड यू थिंक दैट यू नो यू कांट डू दिस एंड स्टिल टू बिटर फॉर यू और समहाउ यू डोंट वांट टू डू इट, देन द सेकंड ऑप्शन इज सी सॉल्ट. गेट सी सॉल्ट और हाफ टी स्पून आपने लेना है बिफोर मील्स, हाफ टी स्पून बिफोर मील्स. बट इफ़ यू टेकिंग थायराइड मेडिकेशन देन डोंट टेक इट विद योर थायराइड मेड्स, उसको अलग आपको लेना होगा. तो स्टमक एसिड का इशू हमने रिजॉल्व कर लिया. नंबर 3, डेली बाउल मूवमेंट. ये जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है, टॉयलेट जाने का सिलसिला है, इसको हमें रेगुलेट करने की, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. एंड द सिंपल गाइडलाइन इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वी नीड टू गो टू द टॉयलेट एवरी सिंगल डे. कॉन्स्टिपेशन इज ए कॉज फॉर अ लॉट ऑफ इशूज़, बिकॉज वो जो टॉक्सिक वेस्ट है वो बॉडी के अंदर बैठा हुआ है और उसकी वजह से वो गंद और वो टॉक्सिन्स दोबारा रिसर्कुलेट कर रहे हैं. इट्स अ बिग नो नो. सो द आइडियल, द गाइडलाइन इज we should be going to the toilet every single day, and healthy bowel movement is healthy digestion, is health, and it is excretion of lot of toxins. So bowel movement ke liye kya karna hai ke aapne
फ्लैक्स सीड, यू नो अलसी जिसको कहते हैं, बाय द वे इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है और संडे को ये वीडियो अपलोड हो जाएगी कि फ्लैक्स सीड को अपनी डाइट के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करना है. इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द सुपर फूड्स एंड इट इज़ रियली सिंपल टू इनकॉर्पोरेट इन योर डाइट. स्टे ट्यून्ड फॉर माई वीडियो ऑन हाउ टू कंज्यूम फ्लैक्स सीड एंड मेक इट पार्ट ऑफ योर डेली डाइट. आई टॉक अबाउट दैट इन माई वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड, डोंट मिस दैट वन. दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम. यू नो मैग्नीशियम इज अवेलेबल एज अ सप्लीमेंट, अबाउट 100 to 200 mg डेली. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प योर रेगुलेट योर बाउल मूवमेंट. और अदरक, जिंजर का इस्तेमाल, मैंने आपको बताया कि वो एप्पल साइडर विनेगर और जिंजर को वैसे भी खानों में तो हम डालते ही हैं, लेकिन अगर आप उसको वैसे भी कूट कर डाल के थोड़ा सा खा लें, दवाई की तरह पी लें, बिकॉज दवाई भी तो खाते ही हैं, तो देन दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू रेगुलेट योर बाउल मूवमेंट. ओके, ऑन टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ रीबिल्डिंग योर माइक्रोबायोम, ये जो जहाँ पे गुड बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं, जहाँ पे खाना अब्जॉर्ब होता है, जहाँ पे इम्यूनिटी का मामला है, इसको कैसे लेके चलना है. तो देन व्हेन वी टॉक अबाउट द माइक्रोबायोम, व्हेन वी टॉक अबाउट गट हेल्थ, वी टॉक अबाउट गुड बैक्टीरिया, और वहाँ पे सिंपली हम प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की बात कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट. एंड देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स दैट आर गोइंग टू एक्ट एज प्रीबायोटिक्स, व्हिच मींस दैट आर फूड्स दैट आर गोइंग टू हेल्प प्रमोट दैट दैट गुड बैक्टीरिया कॉलोनी, और उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोबायोटिक की सप्लीमेंटेशन है. इन सिंपल वर्ड्स, आपने अपनी डाइजेशन और माइक्रोबायोम को इम्प्रूव करना है, तो देन ऐड अनियंस टू योर डाइट, प्याज, कैबेज, फ्लैक्स सीड कम्स अगेन, यू नो फ्लैक्स सीड इज नोन टू इम्प्रूव माइक्रोबायोम एंड गट गुड बैक्टीरिया हेल्थ, तो फ्लैक्स सीड आप ऐड करेंगे. कूल्ड कुक्ड राइस, चावल बना के उनको ठंडा खाना और आलू को बेक करके या बॉईल करके ठंडा करके खाना, दिस बिकम्स रेजिस्टेंट स्टार्च एंड दैट रेजिस्टेंट स्टार्च एक्ट्स एज ए प्रीबायोटिक, यू नो. तो ये आपका सिंपल फूड से क्योर आप देख रहे हैं कि आपको मिल रहा है, और एक सप्लीमेंट मिलता है प्रोबायोटिक. यू कैन इवन चेक आउट माय वेबसाइट, आई डोंट नो इफ दिस इज़ अवेलेबल इन योर नेबरहुड, प्रोबायोटिक्स मिलते हैं. यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन माई वेबसाइट adnanfaruk.com, वहाँ पे भी विटामिंस पड़ी हुई हैं. तो ये भी प्रोबायोटिक्स जो हैं, कि जो हमने एंटीबायोटिक्स खा खा के और दवाइयाँ खा खा के अपने गट बैक्टीरिया का बेड़ा गर्क किया हुआ है, वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग दैट बाय एडिंग प्रोबायोटिक्स इनटू आवर डाइट. तो गाइस, कैन यू सी, यू नो, इफ आई सम अप दिस इंटायर कॉन्वर्सेशन, आई कैन टेल यू एंड आई एम श्योर यू गेटिंग अ सेंस ऑफ दिस राइट नाउ, कि वी आर यूजिंग फूड एज मेडिसिन. यू कैन सी द हीलिंग पावर ऑफ फूड. And you, when you incorporate it in your diet, when you make it a part of your daily diet, it starts to heal you and it starts to give you results. Aur baat agar main results ki karun, to guys, I've had people come to me for fibroids and we've been able to help them cure fibroids naturally. We've had people come to us for polycystic ovarian syndrome, for high testosterone, for low testosterone, for high estrogen. ये मामलात नेचर ने अपने अंदर इतनी ताकत रखी हुई है कि वो खाने को, अगर आप उसकी इम्पोर्टेंस को देखें और अगर आप उसको तरीके से अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करें और कुछ बेसिक लाइफस्टाइल के एस्पेक्ट्स को अगर आप इनकॉर्पोरेट करें, देन इट डज स्टार्ट टू गिव यू रिजल्ट्स. दैट इज़ अनडाउटेबल स्टेटमेंट. देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, दैट फूड हैज़ cure in it. It's just that we don't understand. So guys, I hope that this information ne aapko help kiya hai, and I would much rather ke you go back and see, watch this video one more time and see the power of good digestion, the power of food, certain foods that is going to help promote this digestion. Or like I said, don't forget my video on flax seeds, because aapne dekha ki maine is video mein 2-3 dafa flax seed ka mention kiya, so I'm going to teach you how to use flax seeds. So guys, that sums up my live session. Aapke kuch questions agar aa rahe hain, so I want to dedicate just 5 minutes and talk about your questions. Kurutulan pooch rahi hain, sir, can you answer me, is keto good for PCOS? Kurutulan, thank you for your comment. पोलिसिस्टिक के अंदर कीटो सर्टनली हेल्पफुल है, बट द वन फ्लॉ इज़ मेंटेनेंस ऑफ अ कीटोजेनिक डाइट.
अगर आप उसको ओवर द लॉन्ग हॉल उसको सस्टेन कर सकते हैं विद 20-30 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देन बाय ऑल मीन्स गो अहेड. बट फ्रॉम अनफॉर्चुनेटली जो लोगों से मुझे सुनने को आया है, लोग वेट तो लूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ उनके एडवर्स सिम्टम्स भी सामने आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर फॉल, फॉर एग्जाम्पल शुगर लोज, फॉर एग्जाम्पल लेथार्जी. दीज आर थिंग्स दैट यू डोंट इग्नोर. सो इफ़ यू कैन डू कीटो फॉर द लॉन्ग हॉल ऑन और अगर आप इसको सस्टेन कर सकते हैं देन आई वुड से प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट. ओके, जोया पूछ रही इज़ एप्पल साइडर विनेगर गुड फॉर हेल्थ. एब्सोल्युटली जोया, आपने सुन लिया, मैंने एप्पल साइडर के ऊपर बात की, सो आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू मच अबाउट इट. ओके, तानिया कह रही है यू हैव पोस्टेड अबाउट हाउ टू यूज़ फ्लैक्सीड फॉर पीसीओ एंड वेट लॉस, प्लीज़ मैंशन द प्रोसीजर ऑफ यूजिंग फ्लैक्सीड. तानिया जी, द वीडियो इज़ ऑलरेडी अप, इट विल बी प्रेमियर्ड ऑन संडे, सो स्टे ट्यून. बल्कि उसका लिंक आ भी जाएगा पेज के ऊपर, सो आई होप यू विल एन्जॉय दैट वीडियो. आई गेस दैट्स ऑल द कॉमेंट्स वी हैव. सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन एंड डू सेंड मी योर कॉमेंट्स अबाउट योर क्वेश्चन के क्या आपके कंसर्न्स हैं. आई एम प्रीटी श्योर दैट यूजिंग द फंक्शनल मेडिसिन एज एन अप्रोच वी फाइंड सोल्यूशंस फॉर यू. गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आप लोगों ने टाइम दिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड हैव अ गुड डे. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.